जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फौजी डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, किस लेवल पर कर रहे हैं और कहां पर कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत से जो लड़के तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर बनने के लिए, लोकल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर बनने के लिए, जो फौज में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास अभी एक बंदा आया और वो आते ही हमसे बोला कि मैंने बोला भाई कहीं पर रनिंग वगैरह की, तो बोल रहा था हाँ सर रनिंग तो मैंने की। तो मैंने कि कैसा क्या टाइमिंग वगैरह या अच्छी दिखासी रनिंग होगी, तो बोल रहा हाँ मैं अच्छा दौड़ लेता हूँ वगैरह वगैरह। उसमें सब बताया कि मैंने रोड रनिंग की, मतलब गाँव में रनिंग की, लेकिन वो गुमराह रहते हैं। जो गाँव में बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो गुमराह हैं। वो जब अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, क्यों आशीष इधर पता, दोस्तों जब वो गांव में प्रैक्टिस करते हैं तो वो गुमराह रहते हैं पास में, और उनको क्या लगता है जब वो अकेले में तैयारी करते हैं तो उनको लगता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा जो टाइम है वो बहुत अच्छा आएगा, मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अगर आप गाँव में तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर करते रहें, लेकिन वहाँ पर आप 5-6 लड़के, 10 लड़के, 20 लड़कों का ग्रुप बनाइए, वहाँ पर आप तैयारी कीजिए, वहाँ आपका कंपटीशन होगा, तभी आपको अपने अंदर पता चलेगा कि मैं किस लेवल पर हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो बंदा आया, इसने मेरे को बताया कि मैं वहाँ पर मतलब अकेले दौड़ने जाता, मैं अच्छा दौड़ लेता, सब कुछ बताया कि हाँ ठीक हूँ। दोस्तों जो आप ये बंदा देख रहे हैं, इससे आप जान सकते हैं, अभी ये कल से हमारे यहाँ पर आया तैयारी करने, इससे आप जान सकते हैं कि ये अकेले में जब तैयारी करता था तो इसको अपने अंदर से क्या फीलिंग आती थी, क्या कैसा लगता था जब आप अकेले में तैयारी करते थे, मतलब कि आपको लगता था मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं अकेले दौड़ता था तो मुझे लगता था मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे आया तो मैंने देखा तो यहाँ पे बाकी बच्चों की तरह मैं बहुत ही वीक था। अच्छा, वीकनेस वहाँ पर क्या लगता था मैं निकाल लूंगा ऐसे दौड़ते, फिर किसने बताया? उन्होंने सर बाकी बच्चों ने बताया जो यहाँ पे फौजी डिफेंस एकेडमी में आते हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे आके देखिए आप। तो दोस्तों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं दोस्तों आप तैयारी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कहीं एकेडमी में जाके तैयारी करो या किसी ट्रेनर के पास जाओ, लेकिन इतना जरूर करना कि अगर आपके आप गांव से हो या किसी लेवल पे हो तो आप ग्रुप में जरूर तैयारी करें। आप अगर देखो भर्ती आ गई है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप ऐसी जगह तैयारी करें जहाँ आपका अच्छा एक ग्रुप हो, आपके 10-20 लड़के हों, वहाँ पर आप तैयारी करना कह सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी की भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको मतलब कि 50-100 लड़के, 200 लड़कों के बीच आप जब रनिंग करोगे तो अपने अंदर आपको पता चलेगा मैं कौन लेवल पर हूँ और मैं कहाँ मेरे को वीक हूँ और कहाँ पर मैं सही हूँ, कौन सी गलती सुधारनी है जिससे मैं भर्ती क्वालिफाई हो सकता हूँ। तो दोस्तों जो लड़के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इतना जरूर अपने आप से समझ लें और तैयारी करते रहें। आप अगर मेहनत अच्छी करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं हमें वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।